हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल सर जी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्वेल्थ कॉमर्स गुजरात बोर्ड जो एग्ज़ाम होने वाली है 2022 की, उसमें हम सब्जेक्ट्स के ब्लूप्रिंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो पेपर स्टाइल होगा उसकी ब्लूप्रिंट कैसी होगी, कौन कौन से चैप्टर्स में से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स का चैप्टर होगा। ये जो ब्लूप्रिंट है अभी हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में, फिर आगे और वीडियोस आएंगे अदर सब्जेक्ट्स के रिलेटेड। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्टली इकोनॉमिक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो ब्लूप्रिंट है ये नमूना प्रश्न पत्र के आधार पे है, मतलब जो मॉडल क्वेश्चन पेपर आया है उसके आधार पे है ये, मतलब इसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। एग्जैक्ट नहीं है कि ये पूरा ऐसा सेम ही आएगा, थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं, बट 99% एक्यूरेट है, ये सही है। इसमें जो मार्क्स दिए हैं वो जनरल विकल्प के हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विषय है हमारा अर्थशास्त्र, जिसके अंदर आपको यहाँ पे प्रकरण मतलब चैप्टर्स के नाम दे दिए हैं। अर्थशास्त्र के अंदर टोटल 11 चैप्टर्स आएंगे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में, और इसमें विभाग के हिसाब से सेक्शंस के हिसाब से अलग अलग जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं चैप्टर्स में से वो यहाँ पे दे दिए हैं। यहाँ पे टोटल कितने मार्क्स का चैप्टर आएगा वो यहाँ पे टोटल मार्क्स दे दिया है। तो अर्थशास्त्र में टोटल आपको 127 मार्क्स का जो पेपर है वो बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाला है, जिसमें से आपको 100 मार्क्स का पेपर अटेंड करना है। 127 मार्क्स का पेपर है, मतलब यहाँ पे आपको जो विकल्प वाले हैं जनरल विकल्प वो 27 मार्क्स का एक्स्ट्रा सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है हमारा अर्थशास्त्र में आलेख। इसके अंदर अगर हम बात करें तो सेक्शन ए जिसके अंदर विकल्प पूछे जाते हैं तो उसमें दो सवाल मतलब दो विकल्प पूछे जाएंगे और एक विकल्प का मार्क्स होगा एक। तो यहाँ पे सेक्शन ए में दो मार्क्स आएंगे पहले चैप्टर में से। उसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन बी की तो सेक्शन बी के अंदर भी एक मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा। सेक्शन सी की बात करें जिसमें दो मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं तो प्रकरण एक में से चैप्टर एक में से दो सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे, तो एक सवाल दो मार्क्स का है तो टोटल चार मार्क्स के सवाल आएंगे। और सेक्शन डी की बात करें जिसमें एक सवाल तीन मार्क्स का होता है तो उसमें एक सवाल पूछा जाएगा। तो इस तरीके से इसका टोटल जो वेटेज है चैप्टर का वो हो जाता है 10 मार्क्स का। तीन मार्क्स इसके, चार इसके, चार तीन सात, एक आठ और दो MCQ के 10। तो टोटल 10 मार्क्स का ये पहला चैप्टर हो गया आपका। उसके अगर बात सेकेंड चैप्टर की करें तो उसमें वृद्धि यानी विकास ना निर्देशकों इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, तो उसके अंदर टोटल जो है वो 13 मार्क्स के सवाल होंगे, 13 मार्क्स के सवाल होंगे। सेक्शन ए में दो विकल्प पूछे जाएंगे आपको, उसके बाद सेक्शन बी में एक सवाल पूछा जाएगा। सेक्शन सी की बात करें तो इसमें भी सेम आपको दो सवाल पूछे जाएंगे दो मार्क्स के जो होंगे, तो चार मार्क्स का टोटल सवाल होगा। और सेक्शन डी की बात करें तो यहाँ पे तीन मार्क्स के दो सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो टोटल ये 6 मार्क्स का हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो टोटल पेपर यहाँ पे वृद्धि और विकास में से चैप्टर दो में से टोटल 13 मार्क्स के सवाल आने वाले हैं। उसके बाद तीसरा चैप्टर नाड़ू अने फुगाओ मनी एंड इन्फ्लेशन की बात करें तो उसमें MCQ मतलब सेक्शन ए में एक भी सवाल नहीं होंगे, सेक्शन बी की बात करें तो उसमें से भी एक भी सवाल नहीं होंगे, और सेक्शन सी की बात करें जिसमें से दो मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं तो दो सवाल यहाँ पे आपको पूछे जाएंगे चार मार्क्स का, और सेक्शन डी में एक भी सवाल पूछे नहीं जाएंगे। और सेक्शन ई की बात करें तो सेक्शन ई में होगा एक सवाल 5 मार्क्स का। तो आप हमेशा ये याद रखना कि जो सेक्शन ई होता है ये 5 मार्क्स का होता है, और जिस चैप्टर में से 5 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं उस चैप्टर में से ज़्यादातर 3 मार्क्स के सवाल नहीं पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा टोटल जो है चैप्टर ये 9 मार्क्स का होता है। उसके बाद अगर हम बात करें चौथे चैप्टर की बैंकिंग यानी नाणकीय नीति, उसके अंदर दो MCQ पूछे जाएंगे हमको, दो सवाल जो होंगे वो सेक्शन बी में होंगे एक वाक्य वाले वन वर्ड वाले। उसके बाद सेक्शन सी में से दो सवाल पूछे जाएंगे ये चैप्टर से, सेक्शन डी में से एक भी सवाल नहीं है और सेक्शन ई में भी एक भी सवाल नहीं होंगे। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर बन जाता है 8 मार्क्स का टोटल। उसके बाद अगर हम बात करें पाँचवें चैप्टर की गरीबी, जिसमें दो MCQ पूछे जाएंगे आपको, एक
एक वाक्य वाला सवाल होगा सेक्शन बी में, और सेक्शन सी में भी एक सवाल होगा 2 मार्क्स का, और सेक्शन डी में एक सवाल होगा 3 मार्क्स का, और सेक्शन ई में एक सवाल होगा 5 मार्क्स का। इस तरीके से टोटल ये 13 मार्क्स का पेपर आपका इसके अंदर से चैप्टर्स में से सवाल आएंगे। उसके बाद बात करें हम छठे चैप्टर की, जिसका नाम है बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट, तो 2 MCQ आएंगे आपको सेक्शन ए में, सेक्शन बी में एक भी सवाल नहीं है यहाँ पे। सेक्शन सी जो है वो आप उसमें 3 सवाल आपको पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के, टोटल 6 मार्क्स का होगा ये। सेक्शन डी की बात करें तो उसमें सिर्फ एक ही सवाल होगा 3 मार्क्स का, और सेक्शन ई में से एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से टोटल 11 मार्क्स का ये चैप्टर बनता है। उसके अगर बात करें हम 7वें चैप्टर की, जिसका नाम है बस्ती पॉपुलेशन, तो उसके अंदर MCQ में 2 सवाल पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के। सेक्शन बी में एक सवाल पूछा जाएगा 1 वर्ड 1 मार्क्स का। सेक्शन सी में एक भी सवाल नहीं है, और सेक्शन डी की बात करें तो इसमें एक सवाल पूछा जाएगा 3 मार्क्स में, और सेक्शन ई में 2 सवाल पूछे जाएंगे 10 मार्क्स का, ऐसा टोटल सेक्शन ई होगा इसमें से। तो टोटल 16 मार्क्स का चैप्टर है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है ये बस्ती। उसके बाद अगर हम बात करें कृषि क्षेत्र की, तो कृषि क्षेत्र 8वें चैप्टर में से एक सवाल आएगा MCQ में सेक्शन ए में, एक सवाल 1 वर्ड पूछा जाएगा आपको 1 वाक्य का सेक्शन बी में, सेक्शन सी में एक भी सवाल नहीं है, सेक्शन डी की बात करें तो उसमें एक सवाल आएगा 3 मार्क्स में, और उसके बाद सेक्शन ई में एक सवाल आएगा 5 मार्क्स में। तो टोटल इस तरीके से 10 मार्क्स का चैप्टर है ये। उसके बाद विदेश व्यापार की बात करें 9वें चैप्टर की, तो उसमें से 2 MCQs पूछे जाएंगे आपको सेक्शन ए में, एक सेक्शन बी में सवाल पूछा जाएगा, एक होगा सेक्शन सी का सवाल होगा, सेक्शन सी में सॉरी 2 सवाल पूछे जाएंगे, उसके बाद सेक्शन डी में 2 सवाल पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से ये टोटल 13 मार्क्स का चैप्टर है। उसके बाद अगर हम बात करें उद्योग क्षेत्र की, तो उद्योग क्षेत्र में सेक्शन ए में 2 सवाल होंगे MCQ, 2 MCQ होंगे। इस तरीके से सेक्शन बी में अगर हम बात करें तो एक सवाल होगा, सेक्शन डी की बात सेक्शन सी की बात करें तो उसमें भी एक सवाल होगा, डी में भी एक सवाल होगा। तो इस तरीके से टोटल 8 मार्क्स का चैप्टर है। उसके बाद जो लास्ट चैप्टर है हमारा भारतीय अर्थतंत्र ना नूतन प्रश्नों, उसके अंदर सेक्शन ए जो है उसमें 3 MCQs आएंगे, सेक्शन बी की बात करें तो एक सवाल आएगा, सेक्शन सी में भी एक सवाल आएगा, और लास्ट में सेक्शन जो ई है उसमें 2 सवाल आएंगे। इस तरीके से टोटल 16 मार्क्स का चैप्टर है। तो आपको ये 2 चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है, एक है वस्ती जो 16 मार्क्स का है, और दूसरा है ये 11वां चैप्टर जो 16 मार्क्स का है। ये दोनों ही सबसे ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर हैं। इस तरीके से टोटल आपका जो पेपर होगा उसमें टोटल 127 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें सेक्शन ए में 20 मार्क्स के MCQs आएंगे, सेक्शन बी में 10 मार्क्स के आएंगे सवाल, उसके बाद सेक्शन सी में जो है ये से टोटल 12 सवाल होंगे 16 सवाल होंगे जिसमें से आपको 12 करने होंगे, उसके बाद सेक्शन डी की बात करें तो इसमें 10 सवाल होंगे जिसमें से आपको 7 सवाल करने होंगे, उसके बाद सेक्शन ई में टोटल 7 सवाल होंगे जिसमें से आपको 5 करने होंगे। तो ये आपको जनरल विकल्प मिलेगा, आप कोई भी 7 में से 5 कर सकते हैं, इसमें कोई भी 10 में से 7 कर सकते हैं, और इसमें टोटल 16 सवाल होंगे जिसमें से आपको कोई भी 12 करने होंगे, और ये दोनों में सेक्शन और सेक्शन बी में इसमें कोई भी आपको जनरल विकल्प नहीं मिलेगा, इसमें आपको 7 सवाल अटेम्प्ट करने होंगे।